प्रश्न नंबर 31 से निम्नलिखित बंटन का माध्य होगा, आपका जो है कि वर्ग दिया गया है, वर्ग दिया गया है कितने कितने का वर्ग है, और जो है कि आवृत्ति भी दी गई है 2, 8, 30, 12 और कितना 3। तो इसमें कह रहा है कि बंटन का माध्य कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर सोल्यूशन भी करा दिया गया है। जो वर्ग अंतराल दिया गया है आपका 0 से 10 दिया गया है, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से कितना 50। अब इसमें एफ जो आपका जो आवृत्ति दी गई है, जो आवृत्ति है ये क्या है, आवृत्ति, और यह आवृत्ति जो है आपका एफ कहलाएगा। तो आवृत्ति 2, 8, 30, 12 और कितना 3 दिया गया है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, वर्ग मध्यमान। तो वर्ग मध्यमान कैसे निकालते हैं, देखिए ये जो आपका वर्ग अंतराल है इनको ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो 10 में 0, देखिए 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, ये आपका माइनस नहीं, 10 में ऐसे जोड़ेंगे, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, नहीं 10 में से जो है 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 में जो है कि 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड किया जाता है घटाया नहीं जाता है। तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, और 10 को यदि डिवाइड करते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा 5, 20 और 10 30 हो जाएगा, और 30 और 5 30 को जो है कि 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 3, 2, 5 यानी कि 30 और 20 50 हो जाएगा, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 70 को डिवाइड करेंगे तो आपका 35 हो जाएगा, और जो है कि 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 है, तो इसका यदि माध्य निकालते हैं तो माध्य कितना मिलेगा हम लोगों का 25, माध्य कितना होगा 25, और कैसे 25 होगा, कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 5 है ना, तो 5 + 1/2 कितना 2, यानी कि 6/2 दोवा पद चाहिए, यानी कि 2, 3, 6 तीनवा पद कितना है 25। तो आपका ए का मान जो है कितना मिल गया 25, यह ए हो जाएगा। अब देखिए डी इजिकल टू एक्स माइनस सी हम लोग फाइन करते हैं, इसके बाद तो एक्स में से ए को घटाना है। अब देखिए कैसे होगा, ये आपका माइनस बीस करेंगे एक्स माइनस ए, तो यहाँ से देखिए एक्स वाला यानी 5 में से 25 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, माइनस 20 15, यानी कि जो है 15 - 25 करेंगे तो -10 हो जाएगा, और 25 - 25 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 35 - 25 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 45 में जो है 25 घटाएंगे कितना हो जाएगा 20। इसके बाद एफ डी, एफ डी कैसे फाइंड किया जाता है वो देखिए। अब इनका जो है इस एफ में जो है कि मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका जो डी का मान है माइनस बीस से जो है कि 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -40, -10 से 8 में गुणा करेंगे तो -80 हो जाएगा, और 0 से जो है कि 30 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और 10 से जो है कि 12 में गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा, और 20 से जो है 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 कितना हुआ 60। अब देखिए इनको यदि ऐड किया जाता है तो आपका सिग्मा एफ फाइंड होता है, आपको कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और जो इनको जो जब जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 60, इसको जोड़ेंगे तो आपका 60, देखिए 8 × 4 = 12 -120 हो जाएगा, प्लस 120 कट जाएगा, बचेगा क्या 60, यहाँ पर 60 हो गया। अब समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में क्या सिग्मा एफ, अब यहीं पे ए का मान रख दिया गया है, और प्लस सिग्मा एफ डी का मान 60/55, यहाँ से डिवाइड किया जाएगा 25 + 1.09 हो जाएगा, इसको ऐड किया जाएगा तो आपका हो जाएगा 26.09, आपका जो है कि लगभग में इतना होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, यानी 26.09 लगभग आपका होगा, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 32 का, 32 का देखेंगे आप लोग। कॉलोनी के 100 निवासियों की माध्य आयु निम्नलिखित आंकड़ों से है, आपका जो है कि आयु दिया गया है वर्षों में और निवासियों की संख्या दी गई है, देख रहे हैं आयु जो है कि वर्षों में कितना कितना दी गई है और निवासियों की जो है कि संख्या। तो देखिए आते हैं यहाँ पे, इसमें से आपको कह रहा है कि जो आयु है वो आयु का वर्ग अंतराल यहाँ पर निकाला गया है, इसको निवासियों की क्या संख्या, देखिए जीरो से कह रहा है कि आयु में जो आयु वर्ष में दिया 0 से अधिक दिया गया है, इसके बाद दे रहा है 10 से अधिक, इसके बाद 20 से अधिक, तो 0 से कहाँ तक 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ठीक है। आपका जो प्रश्न में दिया गया है निवासियों की जो संख्या 10, 15, 25 और 25, 25, 10, 10 और कितना 5,
है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 100 माइनस 90 करेंगे तो 10 मिलेगा, 90 और माइनस 75 करेंगे तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, 75 माइनस जो है कि 75 और माइनस 50 करेंगे तो 25, 50 माइनस 25 करेंगे तो 25 और जो है 25 माइनस 15 करेंगे तो आपका 10 मिलेगा, 10 माइनस 5 करेंगे तो 10 मिलेगा और 15 माइनस 5 करेंगे तो 10 मिलेगा, 5 माइनस 0 करेंगे तो कितना 5, और इनका योग यदि निकाला जाए तो कितना होगा 100। इसके बाद दिया है माध्य आयु, तो माध्य आयु हम निकालेंगे, देखिए 0 में 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 से 2 को डिवाइड कर दीजिए 5, और 20 10 30 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, 30 और 20 50 हो जाएगा, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25, और 40 और 30 70 हो जाएगा, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 35, ऐसे जो है करके ये जो है कि माध्य आयु निकाला गया है। इसके बाद जो है कि एफ एक्स निकाला गया है, तो ये माध्य आयु जो है माध्य आयु से जो है कि इनमें जो है कि मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। और देखिए तो 5 से 10 मल्टीप्लाई किया गया है तो आपका इतना हो जाएगा, 15 से 15 में आपका 225 हो जाएगा, ऐसे जो है करके बारी बारी जो है कि सभी का मल्टीप्लाई कर दिया गया है और यहाँ से इनको ऐड किया गया है तो आपका मिला है सिग्मा एफ एक्स, और जो आपका ये योग है ये आपका क्या है नंबर, यानी कुल जो है कि आपकी संख्या है, निवासियों की कुल क्या है संख्या। तो देखिए 100 जो है सम है ना, तो सम के लिए आपका होता है माध्य आयु के लिए सिग्मा एफ एक्स बटा में कितना एन, और यदि यही पर विषम रहता तो आपका जो है कि विचलन माध्य निकालना पड़ता। अब देखिए तो 31 सिग्मा एफ एक्स बराबर आपका 3100 है, अब बटा में कितना नंबर आप 100, 0 0 ये क्या हुआ कट गया तो आपको सिर्फ कितना हो गया 31 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 33 है, एक कक्षा के 15 छात्र क्लास टेस्ट में नीचे दिए गए अंक प्राप्त करते हैं जहां संपूर्ण अंक योग 50 है। देखिए जो आपका मान दिया गया 20 25 20 24 27 38 18 42 35 21 44 28 19 21 26 और 36 41 का कह रहा है कि माध्यिका प्राप्त कीजिए। तो ये जो भी आपका जो है कि छात्रों का प्राप्तांक अंक है इसको सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे, किस क्रम में आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम में हम लोग इसको लिख लिए हैं, क्योंकि जब भी हम लोग को माध्यिका निकालनी होती है तो उससे हम उस अंकों को जो है कि बढ़ते क्रम में लिखना पड़ता है। यदि हम लोग को माध्य निकालना है तो माध्य के लिए जरूरी नहीं है कि उनको जो है कि हम लोग बढ़ते क्रम में लिखें, लेकिन जब भी हम लोग माध्यिका निकालेंगे तो माध्यिका में जो है कि जो भी आपका मान दिया रहेगा उनको जो है कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखना जरूरी, ठीक है। चलिए तो इसका कह रहा है कि माध्य निकालिए, तो देखिए टोटल इसमें कितने पद हैं, नंबर ऑफ आपके कितने हैं 15, तो जो कि 15 आपका क्या है विषम है, ठीक है 15 क्या है विषम है, तो विषम जब है तो विषम के लिए माध्यिका बराबर आपका बनता है, विषम के लिए माध्यिका बराबर बनता है नंबर यानी n प्लस 1 फार्मूला बनता है, देखिए n प्लस 1 बटा में क्या 2 वा पद, ठीक है। अब देखिए n n का मान कितना है 15 प्लस 1 बटा में 2 वा पद और बराबर हो जाएगा 15 और 1 क्या हो जाएगा 16 बटा में 2 वा पद, यह हो जाएगा 2 8 16 यानी कि 8 वा पद, तो आपका जो है कि माध्यिका वही होगा जो आपका आठवां पद होगा, तो आठवां पद कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां पद कितना है 28, ठीक है आठवां पद कितना है आपका 28, तो आपका हो गया माध्यिका बराबर हो गया कितना फ्रेंड्स 28, जो कि ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि माध्यिका इनका 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि आपका ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या ए आपका करेक्ट है, कितना हुआ 28, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। प्रश्न नंबर जो है कि 34 है, 20 माध्यों के माध्य की गणना 56 सेमी की गई, बाद में यह पाया गया कि 64 सेमी का एक माप गलती से 61 सेमी अभिलिखित किया गया,
सही माध्य था, आपसे पूछ रहा है कि सही माध्य जो है कितना होगा, तो देखिएगा 20 मापों का जो माध्य है कितना है, 56 है। तो इसका देखते हैं 20 मापों का जो माध्य 56 है, इनका योग कितना होगा, तो 56 गुणे कितना, 20। ठीक है, जितना माप है, जितना मापों का माध्य है, माध्य से जो है कि मापों में, यानी 20 मापों का जो है मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो टोटल आपका योग निकलेगा। इसके बाद देखिए सही योग यदि फाइंड करते हैं तो 120 था इसका, लेकिन 64 की जगह जो है कि आपका कितना 61 गलती से हो गया, तो आपका 1120 और प्लस 64 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जोड़ करके कितना 61 इसमें से क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा जितना आपका गलती हुआ है। इसके बाद आपका हो गया 1100 कितना, 23। अब ये आपका सही माध्य हो जाएगा 1123 बटा में कितना, 20। मापों की संख्या कितनी है, 20, डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 56.15 सेमी। यानी कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो है कि आपका डी करेक्ट है, 56.515 सेमी। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट। क्लियर हुआ, ये आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 35 की तरफ। तो इसमें जो है प्रश्न नंबर जो है कि 35 में सेम प्रोसेस आपका यही लेकर चलना है। ठीक है, इसमें आपका जितना है उसका योग निकालना है, जितना जो है कि इसमें से निकाला जा रहा है उनका योग निकाल करके दोनों को माइनस कर देंगे तो पता चलेगा कि सही जो है मान कितना है। ठीक, देखिए करीब 5 संख्याओं का समांतर माध्य 18 है, यदि एक संख्या निकालने पर समांतर माध्य 16 हो जाता है तो निकाली गई संख्या कितनी है। देखिए 5 संख्याओं का जो है समांतर माध्य कितना है, 18, तो इनका योग देखते हैं, योग कितना हो जाएगा आपका, तो योग हो जाएगा 5 गुणे कितना, 18, तो 18 पाँचे 90 योग हो गया। अब इनमें से जो संख्या 5 थी इनमें से एक निकाल दिया गया है तो 4 हो जाएगा, और 4 एक निकालने पर तो 4 हो गया, तो एक जब निकाला जा रहा है तो इसका समांतर माध्य कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है, तो योग देखते हैं कितना होगा, तो योग बराबर आपका हो जाएगा 4 गुणे 16, 16 चौको 64। इसके बाद कह रहा है कि निकाली गई संख्या कितनी है, निकाली गई संख्या, ठीक है, कुल जो है कि योग में से जो जितनी संख्या निकाली जा रही है उसको घटा दीजिए, पता चलेगा शेष संख्या कितनी होगी, यानी कि आपका हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 8, 8 में से जो है 6 घटेगा कितना हो जाएगा, 2, इन कितना हो गया 26। तो कह रहा है कि तो निकाली गई संख्या कितनी है, 26, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्लियर है, ये आपका क्या रहा, आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर जो है कि 36 देखते हैं। तो 36 में आपको कुछ नहीं करना है, देखिएगा मजदूरी दी गई है, मजदूरों की संख्या दी गई है, तो ये जो है क्वेश्चन जो है कि 31 का जिस तरह से हम लोग सोल्यूशन किए हैं क्वेश्चन नंबर 31 को, वही प्रोसेस सेम आपका इसमें चलेगा, तो आप लोग जो है कि इसका सोल्यूशन कर लेंगे, इसका जो है सोल्यूशन हम नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 31 के तरह ही जो है कि इसका जो है सोल्यूशन करेंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 37। तो प्रश्न नंबर 37 देखिएगा, कह रहा है कि एक साधारण बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः 38 और 39 है तो बहुलक होगा। तो देखिए इस तरह से यदि माध्य दिया हो और माध्यिका दिया हो और बहुलक फाइंड करना हो तो फार्मूला बनता है, देखिए बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका और माइनस 2 गुणे क्या, माध्य आपका चाहिए। तो देखिए 3 गुणे माध्यिका आपका 39 है और माइनस माध्य कितना दिया है आपका, माध्य आपका 2 गुणे 38, यानी कि माध्य आपका 38 है और माध्यिका कितना है 39, इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 117 हो जाएगा, और 38 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 76, आपका कितना हुआ 41, यानी कि बहुलक जो है अब कितना होगा 41 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, कितना हुआ 41। क्लियर है, यहाँ तक ये प्रोसेस रहा, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगले दिन हम लोग लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर जो है कि 38 से। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जो है कि अगले दिन हम लोग को जो है कि ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, अगले दिन चलेगा आपका प्रश्न नंबर 38 से, तब तक के लिए बाय।